दोस्तों, तो जैसा कि आपने प्रीवियस जो मेरा वीडियो था केवीएस इंटरव्यू के बारे में, उसको आज हम एक्सटेंड करेंगे। थोड़ा सा बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमें मतलब प्रॉपरली डेमो के बारे में बताया जाए, तो आज का वीडियो हमारा जो है वो बेसिकली डेमो के बारे में ही है। तो मेरा जो डेमो हुआ था वो बेसिकली टीजीटी साइंस के लिए था, जैसे मैंने कल बताया था आपको। तो टीजीटी साइंस के लिए बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे रहते हैं या कौन से बहुत ही इजिएस्ट जैसे टॉपिक हैं, तो वो मैंने सारे मेंशन कर रखे हैं। बट इस चीज में जाने से पहले मैं थोड़ा सा कल वाली बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले जो है पर्सनैलिटी चेक होता ही है, तो सबसे पहले ड्रेस जो है वो मैटर करेगी करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने लास्ट ईयर कई अपने फ्रेंड्स देखे थे जो कि इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो उन्होंने फॉर्मल्स के नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, तो वो जो है वो बात सही नहीं रहती है। ये चीजें सारी आपकी चेक होती है, तो आप एक फॉर्मल लुक के साथ वहां पे जाइए, एक आपकी चार्म पर्सनैलिटी वहां पे दिखनी चाहिए उनको। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत मैटर करता है। सेकंड बात करते हैं कि एंट्री, कि जो पैनल रूम होता है बेसिकली, वहां पे आपकी एंट्री कैसी है। ठीक है, मतलब आपने सही ढंग से बेसिकली नॉक करके आपने अंदर एंटर करना है, और उसके बाद आपने परमिशन लेनी है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो आपने अगेन परमिशन लेनी है कि मैं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। ये मैंने आपको कल भी बताया था। फिर उसके बाद वो जनरली पहला क्वेश्चन जो रहता है उनका, वो बायोडाटा फॉर्म्स के बारे में आपको मैंने बताया था। बायोडाटा बच्चे आप ऐसा ध्यान में रखना कि बायोडाटा आपका बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए, और आपको हर एक चीज़ उसके बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपने लिखा है कि मेरा सपोज करो कि मैं आपने बात करता हूँ कि मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो हिमाचल के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए कि आपके। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे हुआ भी था बेसिकली, कि आपका बेसिकली आप बेस्ट प्लेसेस बताइए वहाँ के, या कुछ भी मतलब बेस्ट कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको वो चीज़ें सारी पता होनी चाहिए आपकी। बेसिकली मेरा सीबीएसई बोर्ड था, तो सीबीएसई बोर्ड के बारे में क्वेश्चन था, तो हर एक चीज़ पूछी जा सकती है, वो आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ये तो होगी बात की एंट्री इन द रूम। उसके बाद आता है कि डेमो, तो डेमो के बारे में तो बेसिकली हमने बात करनी है, तो चलो इसी के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि डेमो में रहता क्या है। तो डेमो में बेसिकली जैसा बोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे बोर्ड वहाँ पे होता है। ठीक है, आपको कहा जाएगा कि आप जो है वहाँ पे डेमो दे सकते हैं। देखो, ये लकी चांसेस होते हैं कि आपको ये कहा जाएगा कि आपका अपना फेवरेट टॉपिक जो है वो आप पढ़ा दीजिए। बट कई जो हमारे फ्रेंड्स थे लास्ट ईयर, तो उनको डायरेक्टली ये भी बोला गया कि जैसे टीजीटी साइंस है तो आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको आनी चाहिए और आपने पढ़ानी भी है, तो आपको कोई भी टॉपिक जो है वो बोला जा सकता है कि फिजिक्स का कोई टॉपिक आप प्रिपेयर करिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स का टॉपिक है, कॉमन टॉपिक्स हैं बेसिकली फोर्स एंड प्रेशर, इसके बारे में आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड टॉपिक मैंने लिख रखा है फ्रिक्शन के बारे में। ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, इनको आपने देखो स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप टीचिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर टीचिंग नहीं करते हैं तो आपको बेसिकली जो होता है ना पीकेटी, बेसिकली प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, बच्चों से जो आपके पैनल मेंबर होंगे आप वहीं से चलेंगे बेसिकली, कि आपने उनसे थोड़ा सा जनरेट करना है कि बेसिकली मैं कौन से टॉपिक तक पहुंचूंगा। फिर टॉपिक पे पहुंचने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पे मेंशन करना है कि ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और जैसे ये टॉपिक्स हैं साउंड लाइट, तो ये फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इजीएस्ट हैं और आप बिल्कुल इजीली जो है वो डेमो प्रिपेयर कर सकते हैं। बात एक और आती है कि डेमो कितने मिनट का होना चाहिए। ठीक है, तो डेमो जो है बेसिकली मेरा जो गया था बेसिकली 25 मिनट्स के अप्रॉक्स जो है वो हमारा डेमो गया था, तो ये एक्सटेंड भी करता है। कई बच्चों का जो है वो 40 मिनट का भी हुआ, कईयों का ये 15 मिनट भी हुआ, कईयों का ये 5 मिनट भी हुआ है, तो ये मैटर नहीं करता है। बट मिनिमम आप लेके चलिए कि आपको हाफ आवर का जो है वो डेमो प्रिपेयर होना चाहिए आपका, कोई भी टॉपिक से। केमिस्ट्री के टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, मेटल एंड नॉन मेटल बिल्कुल इजी टॉपिक है, आप थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे तो आप इजी सा एक डेमो बना सकते हैं इसके लिए। कंबशन एंड फ्लेम, ये सारे टॉपिक जो हैं बेसिकली 8th क्लास के लिए हैं मैंने। ठीक है, 8th क्लास इजीएस्ट क्लास है, और बेसिकली आप इसमें थोड़ा सा हाइयर लेवल में भी जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे बायोलॉजी में बिल्कुल कॉमन टॉपिक है सेल, सेल के बारे में आपने अगर +1 +2 पढ़ाते हैं तो आप सेल के बारे में ऐसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा, तो आपने थोड़ा सा ये कॉमन टॉपिक्स आते हैं आपके, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इसके बारे में आप बताइए, ये भी टॉपिक आपका 8th क्लास का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको आप बिल्कुल ईजी प्रिपेयर कर सकते हैं। आधे घंटे का डेमो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और आपने याद रखना है कि आपको इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज का आपको ने वहाँ पे यूज़ करना है, तो उसके लिए बेसिकली आपने थोड़ा प्रिपेयर करके जाना है। और जो लास्ट बात है बेसिकली ये है पैनल बायोडाटा क्वेश्चंस। अब ये बात मैं बायोडाटा के बारे में आपको पहले भी बता चुका और अभी बता रहा हूँ कि बायोडाटा के बारे में आप बिल्कुल सही ढंग से पढ़ के जाना, पूरा प्रिपेयर होकर जाना। और क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी लेवल के
कोई भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट मेन बताऊं तो मैं केवीएस हिस्ट्री के बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए, केवीएस की स्थापना क्यों हुई। मुझसे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था बोला कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द केवीएस, तो केवीएस संगठन के बारे में आपको बताना था, केवीएस को पहले किस चीज़ के लिए जाना जाता था। तो ये बेसिकली आपको पता होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको कॉमन जो एक स्कूलिंग है बेसिकली उसको प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली संस्था स्टार्ट हुई थी। तो ये आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा सा आपको प्री प्लान्ड होकर वहाँ पर जाना पड़ेगा और डेमो के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी रहता है ये, बिल्कुल कम्फर्टेबल करवाएंगे आपको, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो ये हमने डेट आज स्पेशली मेंशन की है क्यों की है, क्योंकि स्टार्टिंग में जाते ही आपने सबसे पहले जब व्हाइट बोर्ड के पास या ब्लैक बोर्ड जो भी होगा वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले डेट मेंशन करना जरूरी रहता है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि फटाफट गए और यहाँ पे बेसिकली आपने टॉपिक लिख दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक जो है वो बाद में ही लिखना है जब आप पीकेडी कर लोगे, ठीक है। और रही बात मार्क्स की, तो मैंने आपको बताया था कि 50 से अबव लेना थोड़ा सा हार्ड भी नहीं होता है, बट थोड़ा सा बेसिकली आप प्रिपेयर होकर जाएंगे तो जैसे मेरे लगे थे 56 मार्क्स, तो किसी के भी लग सकते हैं। और आपको YouTube पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऐसा करना है वैसा करना है। आपने कोई भी प्रिपरेशन किसी भी लेवल की, कुछ क्वेश्चंस आपने जो भी पूछना है मुझे वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, वो आपको हर एक क्वेश्चन का आपको पर्सनली मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।